हेलो एवरीवन, चलिए बच्चा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 18 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड, ₹300 फॉर द थर्ड। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बींग ₹50 मोर देन for the preceding day, okay? And how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो ये आपको दिख रहा है कि एक्चुअली मैं बहुत चीज़ लिख दिया, लेकिन बहुत ही अधिक आसान क्वेश्चन है। इसलिए आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब अगर एक दिन डिले हुआ, जो आपका फाइनल डेट है, सपोज करिए आपको बोल दिया गया कि 10 दिन में काम कंप्लीट करो, अगर आप 11 दिन में काम को कंप्लीट किए तो एक दिन का पेनल्टी क्या है, 200 है। ठीक है, अगर एक दिन आप लेट किए तो आपको 200 एज अ पेनल्टी पे करना है। अगर आप दो दिन लेट किए तो जो सेकंड डे का पेनल्टी होगा वो पहले वाले दिन से 50 अधिक होगा। थर्ड डे का पेनल्टी कितना होगा, 30 होगा। इसी तरीके से आपको दिख रहा है ये एपी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 200। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50। कॉमन डिफरेंस है ₹50। ओके, तो वही बोल रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी He has delayed the work by 30 days। मतलब टोटल उसको पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको ये इसमें इस ये सब टाइप के समय आपको ये ध्यान रखना रहता है कि हमको 30th टर्म निकालना है या सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, ये आपको स्टेटमेंट से अच्छे से समझना है। तो आपको अगर ये पूछा रहता कि जो अगर 30th डे का पेनल्टी कितना है, तब आपको क्या निकालना था, यहाँ पर nth टर्म के बारे में सोचना था कि अच्छा T30 क्या होगा। बट ये पूछ रहा है कि 30 दिन में विद इन 30 डेज उसका टोटल पेनल्टी कितना हुआ, तो आपको क्या सोचना है यहाँ पर कि अच्छा टोटल पहले दिन से लेकर के 30 दिन में कितना टोटल पेनल्टी हुआ, मतलब सम का बात कर रहा है। तो S30 आपको निकालना है, सब चीज़ आपको पता है, अच्छे से निकाल लीजिएगा। AD N तीनों ही पता है। ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, N/2 2A + N-1 × D। तो 2A, अच्छा हम तो फार्मूला लिख रहे थे, पुट क्यों कर रहे हैं, N-1 × D। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, सुभाष एंड प्रभास आर सिबलिंग्स, दे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। ये हम करवा चुके हैं पहले भी। डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या है, सेम बर्थडे के लिए एक ही चांस है आउट ऑफ 365, और डिफरेंट बर्थडे के लिए 364/365। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि अगर किसी एक का बर्थडे किसी भी एक दिन साल में पूरे ईयर में 365 डेज में किसी एक दिन भी अगर किसी का बर्थडे है, तो सेकंड वाले का बर्थडे डिफरेंट होने के लिए 364 ऑप्शंस है। ठीक है, तो पूरा एक उस एक दिन को छोड़ करके वो और किसी भी दिन अगर उसका बर्थ होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दे हैव डिफरेंट बर्थडेज। ओके, सो इन फर्स्ट केस वी हैव 364 ऑप्शंस, बट इन सेकंड केस वी हैव ओनली वन ऑप्शन, क्योंकि कोई भी दिन साल में एक ही बार आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक डेट फिर आपका रिपीट कभी नहीं होता है। चलिए नाउ द थर्ड वन भी बच्चा आपको खुद से ही करना है, हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। पी क्या है, 3.4 इज रिफ्लेक्टेड टू P' इन द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो P 3.4 है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो आएगा 3.-4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ओ डैश इज द इमेज ऑफ ओ द ऑरिजिन वन रिफ्लेक्टेड इन द P P'। अब बोल रहा है कि अगर ये मेरा ऑरिजिन है, ये मेरा 3 और 3.-4 है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ऑरिजिन का रिफ्लेक्शन लेना है, ध्यान दे रहे हैं तो ये हो गया ऑरिजिन, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, तो ये लाइन के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, इधर क्या 0.0 है, तो राइट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6.0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर भी होगा, इधर 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट होगा, टोटल फ्रॉम द ऑरिजिन ये 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कोऑर्डिनेट पूछा है सबका, लेंथ पूछा है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम सेकंड वाले में, डिस्टेंस फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ आपको नोन है, जो नहीं नोन है उसको आप क्या कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर POP-O', तो POP-O' आपको क्या दिख रहा है, ये 100% एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, 100% एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम से भी अच्छा आप इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये तो 90 है ना, ये 90 है, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना,
साइड लेंथ तो सेम नहीं है ना बच्चा, साइड लेंथ ऊपर कितना है, 4 3 5 4 3 5, अच्छा रॉम्बस है, ये क्या हो गया, डायगनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो चुका है रॉम्बस, ये क्या हो गया है रॉम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, हेंस इट इज़ द रॉम्बस, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई द, देखो बच्चे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए आप ये एक लाइन है, ये क्या है 3, -1 है, ये 8, 9 है, यहाँ से एक लाइन गया हुआ है, आप क्या मान लीजिए, सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये सपोज करिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पी का कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले लीजिए, a, b ले लीजिए, रेशियो आप मान लीजिए k:1, रेशियो आप क्या मान लिए k:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि क्या a और b का वैल्यू k के टर्म में निकाल सकते, a का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m+1, सही है, b का वैल्यू क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 बाई m+1, बोले कोई दिक्कत है, और a और b किसके ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लाइन क्या है y-x+2=0, मतलब a, b इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है ना, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो b-a+2=0, तो b की जगह क्या रखेंगे 9k-1 बाई k+1 माइनस a की जगह क्या रखेंगे 9k-1 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 8k+3 बाई k+1 is equals to +2 = 0, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सब चीज़ नोन है, बस एक ही अननोन वेरिएबल है, वो क्या है k है, तो k का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, चलिए गुड। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनटू अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस, हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ वीट कैन बी एम्प्टेड इफ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर वेट इन ईच बैग इज इतना, ये तो बच्चा बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर आपको हाइट और रेडियस पता है तो आपको इस सर्कुलर ड्रम का, ये ड्रम का आपको वॉल्यूम पता है, ठीक है, इस ड्रम का वॉल्यूम पता है आपको, रेडियस पता है कितना 4.2 मीटर एंड हाइट पता है 3.5 मीटर, रेडियस और हाइट आपको पता है, आप वॉल्यूम निकाल दीजिएगा कैसे, पाई आर स्क्वायर एच करके वॉल्यूम निकाल दिए। बोल रहा हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ वीट कैन बी एम्प्टीड इनटू दिस, अब बोल रहा है एक जो वीट बैग है, एक वीट बैग का वॉल्यूम कितना है, तो 2.1 मीटर क्यूब है, तो ये एक वीट का वॉल्यूम, वही पूछ रहा है कि कितना है ऐसा, तो मान लीजिए एन, तो एन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वीट बैग, ठीक है, एन टाइम्स इक्वल्स टू क्या होगा, ड्रम का वॉल्यूम होगा ना, तो नंबर कैसे पता चलेगा, जब ड्रम का वॉल्यूम को वीट बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो ड्रम का वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम बाई जो एक वीट बैग का वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 36, इसका कितना है 36 है मीन, फिर से अगेन बहुत आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क क्या क्या आ जाएगा, 5, 15, 25, 35, 45, 55 आ जाएगा, फिर आपको फ्रीक्वेंसी पता है 8x12 35y 16। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन फॉर्म करना होगा, एक इक्वेशन तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि 8+8+x+12+35+y+16=100, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया x और y में, और सेकंड इक्वेशन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको मीन दिया हुआ है 36, तो मीन क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi/fi=36 दिया है, fi xi आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है, 5×8+15×x+25×12+35×35+45×y+55×16, ये सारा चीज़ यहाँ लिखिएगा, भाई समेशन ऑफ fi कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है, = क्या होगा 36, सो इट विल गिव यू द सेकंड इक्वेशन, और जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, ओके, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना, हम मिटा दे रहे हैं, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, इसको डिस्कस किया जाए कि अगर देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 3x का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है बाबू 13 है, तो प्लस 2 कर दिए, तो ये हो गया प्लस 2, यहाँ से -2 +2, ये कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, -2 +2 कर दिए कट जाएगा। तो ये 6 < 3x > = 2, ये क्या आ गया 15, 3 से डिवाइड कर देंगे 2x, ये कितना आ गया बच्चा 5। तो 2 से लेकर के 5 के बीच में है x का वैल्यू, कोई भी जीवन में तकलीफ नहीं है। सेकंड वाले में क्या करेंगे, -5 करेंगे, दिख रहा है ना, -5 करेंगे बोथ साइड, -5 करेंगे तो -2 -2 -5 = 2, 7x < 40 -5, मतलब क्या हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो ये फिर से लिखी दे रहा है -7, यहाँ पे बचेगा x 35। अब ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो -1 = x क्या हो जाएगा 5। तो ये -1 से 5 है, ये 2 से 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दोनों बिलोंग करता था। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्या बोला है, x belongs to real, इसमें क्या है x belongs to real number, इस केस में है x belongs to integers, पहले वाले में real number को belong करता है, तो इसमें सारा का सारा values आ गया। इसमें क्या क्या value आया, तो -1 0 1 2 3 4, बस इतना ही values आया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन जो भी लेंगे कॉमन रीजन में तो क्या आएगा, यही सारा पॉइंट्स आने वाला है, लेकिन देखना है कि क्या सारा ही पॉइंट्स आने वाला है क्या इसमें। तो क्या -1 इस रेंज में है, नहीं है, तो -1 नहीं होगा। क्या 0 है, 0 भी नहीं है। क्या 1 है, नहीं 1 भी नहीं है। क्या 2 है, नहीं 2 भी नहीं है, दिख रहा है ना 2 में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है 2 में इक्वल टू का साइन नहीं है। क्या 3 है, हाँ है। क्या 4 है, हाँ है। तो 3 एंड 4 क्या हो जाएगा आंसर ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, अच्छे समझिएगा इस चीज़ को, मिटा देते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बच्चा खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी 2 बार दिए हैं, ठीक है ना, और उसके बाद से इसके पहले वाले एक असाइनमेंट में भी आया था, ये असाइनमेंट में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर वाला बोल दे रहे हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ये क्या है बताइए 2 4 3 0, ठीक है, और ये क्या है 3x + 2y, कितना बच्चा -2 1 2 और -5। अब क्या करना बच्चा, यहाँ पे देखिए हमको इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा सॉल्व करने के लिए इसको सपोज करिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बचने वाला बताइए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 9y = 6 9 12 0, ठीक है 6 9 12 0, ये क्या देगा 6x + 4y = -4 4 2 -10। अब क्या होगा, माइनस कर देंगे, सब जगह क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये तो कट गया, ये क्या आया 5y = ये देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या बचेगा 10, ये बचेगा 5, ये बचेगा 10, ये बचेगा 10, तो 5y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, तो 2 1 2 2, y निकल गया ना, 5 से डिवाइड कर दिया ईच एलिमेंट को, y निकल गया, पुट करके x निकाल लेंगे, ठीक है ना, किसी में भी पुट करके आप x निकाल लीजिएगा, कोई जीवन में तकलीफ नहीं है। आगे बढ़े, वैसे आगे बढ़ने का कुछ है ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, खुद से करना है, एक बार फिर भी हिंट कर दे रहे हैं, तुम लोग का भरोसा नहीं है, तुम लोग का रोने लगेगा। देखो यहाँ पे, चलो बता ही देते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहला बात क्या था, क्या है बात कि बोला इक्वल्स, तो यहाँ पे बोला है ना कि इक्वली इंक्लाइंड है इन दोनों से, तो मतलब ये 45 डिग्री है, मतलब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा मतलब स्लोप होता है, थीटा 45 है, टेन 45 1, मतलब स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से राइट द स्लोप ऑफ द लाइन L2 का तो लिख दिए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, अब देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, ये y = 4 लाइन है, y = 4 लाइन है, ठीक है ना, और ये वाला जो पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का है, देखो L2 का इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं ना, L2 का, अच्छा पहला तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा बताइए, 4,4 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा क्यों होगा 4,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा 4,4,
4 होगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y हो जाएगा। ये तीनों आंसर्स हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लोप आपको अच्छे से दिख रहा है, स्लोप निकल गया, स्लोप हमारे मेरे को मिल चुका है। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, यहाँ पे आपको दिख रहा है y इंटरसेप्ट 0 है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो y इज इक्वल्स टू x आपका लाइन मिल जाएगा। m का वैल्यू क्या है, 1 है, c का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको लाइन का इक्वेशन मिल गया। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, जो x होगा वही y होगा, जो एब्सिसा होगा वही ऑर्डिनेट होगा। इसीलिए अब यहाँ पे क्या करते जाएंगे, जहाँ पर ये 4 है ना, ये y इक्वल्स टू 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 4.4 होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से।